आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 रबी ज़िदनी इल्मा। नाउ वी स्टार्ट वन सेवेंटी यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द बी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव डेट। जहाँ भी प्रूव डेट के क्वेश्चन होंगे, इट्स मीन आप लेफ्ट साइड लेंगे और राइट साइड, या राइट साइड लेंगे लेफ्ट साइड प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन में तकरीबन लेफ्ट साइड ही लेंगे। लोग ए स्केयर बी सी प्लस लोग बी स्केयर सी ए प्लस लोग सी स्केयर ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है, आपने उसको राइट हैंड साइड ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। लोग ए स्केयर बी सी, सबसे पहले तो आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करें, प्लस एडिशन। एडिशन है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लें इसमें कुछ कटिंग होता है, ये बी इससे कटिंग होता है, ये ए इससे कटिंग होता है। ठीक है, ये फिर कटिंग हो गया, आप इसको कटिंग ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे भी ये ए टू टाइम है, बी टू टाइम और सी टू टाइम है, कटिंग हुआ। लॉग वन, आप जब भी कैलकुलेटर पे लॉग वन करेंगे वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड प्रूव हो गए। ओके क्लास, पार्ट टू सेकंड पार्ट 3 लॉग 2 प्लस 2 लॉग 3 प्लस लॉग 5 इज इक्वल टू लॉग 360। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आप इस पे आप वो वाला लॉग अप्लाई करेंगे, पावर फॉर्म वाला। ठीक है, लॉग जो शुरू में डिजिट होता है वो पावर में चला जाएगा, लॉग 3 स्क्वायर लॉग 5। ठीक है, लॉग 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 प्लस लॉग 5। आप लोग अप्लाई करें मल्टीप्लाई वाला, तो आंसर 8 5 ज़ा 40, 40 9 ज़ा 360, आंसर इज 360। थर्ड पार्ट आप इसका खुद करेंगे। ठीक है, 4 करवा देती हूँ, 5 भी आप खुद करेंगे। थर्ड और फाइव पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5।
सेम एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। लोग 75 ठीक है, आप इसका वैसे एलसीएम भी दे सकते हैं 75 ठीक है, 5² × 3 या आप 2 करके भी ले सकते हैं 16 का, और 4 भी ले सकते हैं, 4 ले लेते हैं, 4² 32 या आप इसका लॉग 4 ले लें, 2 का 4 पावर। इसी तरह 2 5 243 का ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। आपके पास 3 5 टाइम आ गया और माइनस लॉग पावर वाला लॉग अप्लाई करें, होल पावर स्क्वायर आ गया। प्लस है ठीक है, ये माइनस है आपके पास, और ये ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लें इसमें कुछ कटिंग होता हो, ये कटिंग होता है ठीक है, ये इससे कटिंग होता है, ये होता है, तो आपके पास रह गया 2 × 9² और सिर्फ 3 ठीक है। थ्री की पावर जो है वो 4 रह गई आपके पास, ठीक है। अब आप इसको 9 9 81 3 3 4 3 3 9 9 9 81 कटिंग हो गया, तो लोग 2 क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सेम आपने 6 और 7 खुद करना है, ये भी आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका मैं आपको ये आपके सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, लेकिन इसके मैं 1-2 पार्ट जो हैं वो आपको
करवा देती हूँ ताकि आपके लिए इजी से, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला करवा देती हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर भी चाहिए साथ। अच्छा, सबसे पहले थ्री 0.0125 whole 1/2, ठीक है। उसके बाद log 3, आप log अप्लाई कर दें इसके ऊपर, ये सबसे पहले 1/2 शुरू में आ जाएगा, 0.0125 30.1.15। ठीक है, होल पावर शुरू में चली गई, फोर्स रूल अप्लाई किया हमने। उसके बाद हमने करना है इस सारे पे लॉग अप्लाई करना है, 3 - ठीक है, ये आ गया आपके पास 3 log ये वाला जो हाफ है ना, ठीक है। अब हम लॉग अप्लाई करेंगे, सबसे पहले लॉग 3 करेंगे, ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लॉग 0.0125 करेंगे, ठीक है, और साथ ही उसको डिवाइडेड बाय 2 भी कर दें इस से, -0.9515। उसके बाद हम लोग 31.15 करेंगे, ठीक है, और साथ ही 2 से डिवाइड कर दें, 0.7467 माइनस, फिर लोग 0.0081 करेंगे, ठीक है, माइनस 3.0915।
ठीक है, ये टोटल होल हो गया। अब आप इसको प्लस माइनस कर लीजिए, 0.4771 प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस माइनस, 0.9515 प्लस 0.7467 माइनस माइनस प्लस 3.0915। ठीक है, ये आपके पास आ गया 4.3638। इसको साथ ही डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ये आपके पास आ गया 2.1819। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लॉग एक्स है, वो राइट साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, आपने इसका एंटी लॉग ले लेना। अब ये आपने ख़ुद फाइंड करना है अपने कैलकुलेटर से, ठीक है, कि इसका एंटी लॉग क्या आता है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर आता क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट, इसका आंसर एंटी लॉग का आपके पास आएगा 48.01। ठीक है, ओके क्लास। अब आपने जो है ना बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने सेम क्वेश्चन नंबर 4 के पैटर्न पे हैं, आपने सिर्फ उसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है। पहले लेट एक्स ले लेना है, फिर आपने टेबल यूज लॉग का करना है और इसको अप्लाई करते जाने, इसके ऊपर जो है प्रूफ दिए हुए वो आपने अप्लाई करते जाने, तो आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 9, 10, 11 बहुत ईजी है, आपने जस्ट जो है ना आपको वैल्यू दी हुई है, आपने वो वैल्यूज इसमें पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है, ये बहुत आसान है आपके लिए। तो आपका ये 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। इसके बाद इसके सर्कल द इन सर्कल द करेक्ट आंसर ये सॉल्यूशन करना है आपने, तो आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो यूनिट नंबर 7 इंशाल्लाह स्टार्ट करें।